35,400 के वेतनमान की मांग को लेकर पिछले 33 दिनों से संघर्ष की राह पर डटे हुए क्लर्कों का प्रदर्शन अब भी बदस्तूर जारी है। जिला मुख्यालय कुरुक्षेत्र में धरने पर बैठे लिपिक वर्ग ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार के जिद्दी रवैये की जोरदार आलोचना की। इस मौके पर क्लर्क संगठन के प्रतिनिधियों ने सरकार से उनकी मांग को मानने की अपील की, साथ ही साथ मांगे न माने जाने की सूरत में आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया। नमस्कार जी, हम 5 जुलाई से लगातार अपनी मांग को लेकर के पूरे प्रदेश में लगभग 30,000 से 32,000 की संख्या में सभी लिपिक रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। कलम छोड़ हड़ताल है हमारी, हमारा एकमात्र हक है 35,400, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में सभी लिपिकों में भारी रोष है। और हमारे कार्य की समीक्षा सरकार ने कभी नहीं की आज तक भी। कार्य की समीक्षा करते हुए हम अपने एकमात्र हक 35,400 को लागू करवाने के लिए पूरे प्रदेश में धरना स्थल पर बैठे हैं। और अब 33 दिन हमारे पूरे हो चुके हैं, अब आगे सरकार के साथ आर पार लड़ाई का सब साथियों ने मूड बना लिया है। अब पीछे नहीं हटेंगे, हमारा हक 35,400 लागू करवाएंगे, क्योंकि जो वर्ग 5 वर्ग थे हमारे, हम 60 रुपये पर जिनकी नियुक्ति हुई थी, वो कुछ 4 वर्ग वो 35,400 ले रहे हैं, लेकिन लिपिक को अकेले 19,900 पर धकेलने का काम किया है। पूर्व की सरकारों ने भी हमारे साथ धोखा किया है सरेसर, और 3 सालों से भी हम मौजूदा सरकार के साथ CAWS के बैनर के नीचे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 9 वर्षों से भी हमने इस सरकार पर अपना भरोसा जताया था कि हमारा एकमात्र हक 35,400 लागू करें, लेकिन सरकार ने हमारी अनदेखी की है। अब ये लिपिक वर्ग जिसमें हमारे सभी विभाग अब इकट्ठा हैं और 38,000 के आसपास सभी साथी अपने आंदोलन को लेकर के बैठे हैं। नमस्कार सर, आपके सबसे पहले तो मैं चौथे स्तंभ मीडिया को, जो लोकतंत्र का स्तंभ है चौथा, उसको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि हमारी जो मांग है वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल से हमने एक क्रमबद्ध तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से MLA मंत्री DC के माध्यम से सरकार तक अपनी हमारी एकमात्र मांग, जो कि तथ्यों के आधार पर है, तथ्य आधारित मांग को हमने प्रस्तुत किया था। लेकिन उसके बाद हमने 18 जून को जो करनाल में रोष प्रदर्शन किया, और उसमें जो CM के जो ऑफिस से आए थे, वहाँ पे उन्होंने मेयर मैडम भी आई थी, उन्होंने हमें 4 जुलाई तक का समय दिया था कि 4 जुलाई तक हम आपकी वार्ता है जो वो CM महोदय से करवा देंगे। लेकिन वहाँ पे भी हमारे साथ नाइंसाफी हुई और हमें हमारी कोई वार्तालाप CM महोदय से नहीं हुई, जिसकी एवज में हमने 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने का आह्वान किया। अभी उसी के माध्यम से आज 34वां दिन हो गया है, और इस दौरान 3 दौर की वार्ता सरकार से हो चुकी है, लेकिन 3 दौर की वार्ता में भी सरकार हमारी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सरकार ने पिछले 15 दिन पहले कहा था कि हम हफ्ते में आपको 5 से 7 दिन में आपको अगली मीटिंग के लिए बुला लेंगे, लेकिन उसका भी हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपके माध्यम से सरकार को भी अवगत करा देना चाहते हैं कि हमारी मांग तथ्य आधारित है। इसमें अगर स्केल टू स्केल रिवीजन भी किया जाता तो हमारी जो सैलरी है वो 35,400 ही बनती है। इसके अलावा अगर हमारे कार्य की समीक्षा की जाए सरकार के द्वारा, तो कार्य समीक्षा के आधार पर भी हमारी मांग कम से कम 35,400 बनती है। इसीलिए हमने सारे कंक्लूजन निकालने के बाद ये ज्ञापन रखा है, और इस तरफ जो टेबल भी लगी हुई है। इसके अलावा जैसे एक परिवार में किसी बाप के 5 बच्चे हैं माता पिता के, तो उनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने 4 बच्चों को तो 35,400 दे दिया है, लेकिन हमें एक क्लैरिकल कैडर को अभी भी 19,900 पे रखा हुआ है। ये बहुत ही नाजायज है। हम अनुरोध करते हैं कि सरकार हमारी मांग जल्द से जल्द मान ले, ताकि हम ऑफिस में जाके अपना कार्य करें, और आज तक जो हरियाणा डिजिटल नंबर 1 है उसको आगे भी हम नंबर 1 बना के रखते हैं।